बिग बॉस से निकलने के बाद मनीषा रानी ने जीता बिग बॉस का ये पहला अवार्ड। लीडर वन इंडस्ट्री अवार्ड 2023 में मनीषा ने मारी बाजी और फैंस हुए खुश। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। बिग बॉस के घर में तो वैसे मनीषा ने लोगों का दिल जीता है, फैंस का प्यार जीता है, लेकिन अब बिग बॉस के बाहर मनीषा का पहला अवार्ड मिल चुका है और इसके बाद फैंस काफ़ी खुश हैं। और मनीषा रानी से पहले एल्विश यादव को भी यूथ आइकॉन अवार्ड दिया गया था। तो एल्विशा फैंस के लिए इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं, मनीषा को ये अवार्ड जो है वो बिग बॉस के घर में ही मिल जाना चाहिए था, ये खुद ब खुद मनीषा भी मानती हैं, लेकिन फाइनली अब मनीषा को मिल चुका है अवार्ड और मनीषा के फैंस कर रहे हैं इस तरीके से सेलिब्रेट। एक यूजर ने लिखा, शी इज लुकिंग सो क्यूट एंड एड्रेबल। एक और यूजर ने लिखा, द मेच्योरिटी एंड सेंसिबल एल्विशा फैंडम इज शोइंग हार्ट वार्मिंग एंड थैंक यू गाइज सो क्वेश्चन एट द प्लेस अननेसेसरी बट स्टिल शी एड्रेस्ड द प्योर मैच्योरली हु नो एंड लव जीनियसली वेर अंडरस्टैंड हर लॉयल्टी मनीषा रानी। एक और यूजर ने लिखा, आई एम हैप्पी दैट द गर्ल रॉकिंग एवरीवेयर एंड कैन वी ड्रेगिस्टिक चेंज इन द वे शी रिप्रेजेंट हर सेल्फ। तो मनीषा की एक तरफ तो इस अवार्ड से मनीषा फैंस काफ़ी खुश हैं, तो दूसरी तरफ कुछ कॉन्ट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गई, जो कहीं ना कहीं हेटर्स जो है वो कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मनीषा ने यहाँ पर भी पॉजिटिवनेस से उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। मनीषा ने प्रूफ कर दिया है कि उनके लिए एल्विश और अभिषेक दोनों ही अच्छे दोस्त हैं और रहेंगे। मनीषा ने हमेशा ही नेगेटिविटी को इग्नोर ही किया है और यहाँ पर भी वो ये करती हुई नजर आई हैं। आप बताना कमेंट बॉक्स में हाउ मच डू यू हैप्पी फॉर मनीषा रानी फर्स्ट अवार्ड एंड फर्स्ट अचीवमेंट। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब।